बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ सेहत के निजाम पर। पिछले 7 सालों में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा अस्पताल नहीं बनाया, और जो अस्पताल ये दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये हमने बनाए हैं, वो अस्पताल सिर्फ या तो री इनोग्रेशन उन्होंने करवाई है और या अपने नाम से वैसी ही मंसूब किए हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का रिकॉर्ड, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर में मैं आपको सब कुछ दूंगा। बच्चों की शरह अमवात, ये बार बार हिट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि थर में बच्चों की शरह अमवात बहुत ज्यादा है। मैं आपको यूएसएड की रिपोर्ट बता रहा हूँ। यूएसएड की रिपोर्ट है कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों की शरह अमवात थर से भी ज्यादा है, और पिछले 7 सालों में सिंध की हुकूमत ने 37% इंप्रूवमेंट की है वहां पर, यहाँ पे ये कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद जी पोलियो के केसेस के बारे में आपको बताऊंगा। 2019 में पोलियो के केसेस यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए हैं सारे पाकिस्तान में 147, जिनमें 92 केसेस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के थे। और एमटीआई रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एमटीआई रिफॉर्म्स जिसकी आड़ में नौशहर अनवर के साथ सिर्फ ये किया कि यहाँ भी निचकारी की गई बड़े अस्पताल, यहाँ पे 9 बड़े अस्पताल थे जिसकी निचकारी की गई। पहले जो इलाज यहाँ से मुफ्त मिलता था, पहले जो सहूलियात यहाँ से मुफ्त